हेलो स्टूडेंट्स आई एम अक्षता टंडन एंड एलोमिन ऑफ आई आई कानपुर और ये फिजिक्स के लेक्चर्स हम लोग ले रहे हैं त्रिशूल डिफेंस अकेडमी के लिए अभी तक हम लोगों ने कूलम्स लॉ कर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया था गॉस थ्योरम कर लिया था उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर लिए थे आज वी विल मूव ऑन टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली जब एक चार्ज होता है सपोज वी हैव अ चार्ज क्यू ये क्या जनरेट करेगा ये क्रिएट करेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड राइट अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अभी लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाउ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी ये स्केलर क्वांटिटी होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक चार्ज जनरेट कर रहा है उसको हम इन दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि आज की हमारा टॉपिक है उसे समझने से पहले लेट्स मूव ऑन टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो कि टर्म आप लोगों ने कई बार सुना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अब एक चार्ज हमने प्लेस किया एक चार्ज हमारे पास सपोज Q है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई हमने दो पॉइंट्स माने बीच में कहीं पे A एंड B। अगर एक टेस्ट चार्ज हम लें टेस्ट चार्ज के बारे में भी हम पहले भी बात कर चुके हैं एक टेस्ट चार्ज लें जो कि बहुत छोटा होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे किसी भी तरह से हार्म नहीं पहुंचाता है उसको ऑल्टर नहीं करता है किसी भी तरह से तो ऐसा अगर हम एक टेस्ट चार्ज लें और हम कोशिश करें कि अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस टेस्ट चार्ज को पी से क्यू में पहुंचा दें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डायरेक्शन लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी ये जो क्यू नॉट हमने लिया है इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव चार्ज तो जब पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो क्या है फोर्स ऑफ रिपल्शन है बट हम क्या कर रहे हैं बी से ए टर्ड्स द चार्ज हम ला रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा हमें वर्क डन करना पड़ेगा और यह वर्क डन कैसा होगा क्या ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वर्क डन होगा नो दिस वर्क डन विल बी ड्यू टू एन एक्सटर्नल एजेंट ये एक्सटर्नल एजेंट की वजह से होगा तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं किस पॉइंट पे लाए ए पॉइंट पे लाए माइनस वी बी किस पॉइंट से लाए बी से लाए तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जहां से ला जहां पे लाए हैं माइनस जहां से लाए हैं इज इक्वल टू वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट कहां से कहां तक बी टू ए डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज ये अगर हम निकाल लें तो हमको क्या मिल जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट बी टू अ पॉइंट ए इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट ठीक है वर्क डन कहां से कहां बी से ए में लाने के लिए किसे टेस्ट चार्ज को दोनों पॉइंट्स कहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड में है और अगेंस्ट द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट क्यों कह रहे हैं बिकॉज हम कहाँ काम कर रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहे हैं तो अगर हमको ये मिल जाए तो वी से कि दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स जो कि कहां पे है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं ठीक है तो ये पहले नोट कर लीजिए अब इसका एक uh, ये याद रखना दिस इज फाइनल एंड दिस इज इनिशियल फाइनल एंड इनिशियल ये हमेशा दिमाग में इस चीज को रखना आगे जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो कई जगह हमें ये फाइनल और इनिशियल का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा ठीक है नाउ इसका एक वर्क डन जो होता है इसका एक यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी तो वन इसलिए हम ये बता रहे हैं बिकॉज कई बार न्यूमेरिकल्स में दिए दिया होता है तो वी ऑल शुड नो द कन्वर्जन एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट ये बहुत स्मॉल यूनिट होता है इट इज़ जनरली यूज फॉर यूर अटोमिक फिजिक्स बट यू शुड नो कि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि अगर एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंसेज वन वोल्ट तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को वन इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट बी से ए में लाएँ तो जो वर्क डन होगा दैट इज वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज वन वोल्ट इसको हम कहेंगे कितना है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्जन करना वन इलेक्ट्रॉन इज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पार माइनस नाइनटीन कूलम इंटू वोल्ट कितना है वन वोल्ट वन वोल्ट दिस इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पार माइनस नाइनटीन जूल्स अगर इससे देखो तो ये कूलम है ये ये है तो दैट मीन्स जूल्स को हम और कैसे भी लिख सकते हैं कूलम वोल्ट ठीक है इतना समझ में आ गया अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर सकते हैं एक बार डिफरेंस क्लियर हो गया अब हम पोटेंशियल की बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तब हम कहते हैं जब हम अज्यूम कर लें कि ये जो हमारा बी पॉइंट है ये कहां पे है इंफिनिटी पे ठीक है और पोटेंशियल उस पॉइंट पे इंफिनिटी पे इज इक्वल टू जीरो वाई क्योंकि चार्ज हमने अगर यहाँ पे लिया और एक पॉइंट हम बहुत कहीं पे दूर ले लेते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इस चार्ज का इफेक्ट उस पॉइंट पे बहुत ही मिनिमल होगा बहुत नेग्लेजिबल होगा इसीलिए हम कह देते हैं कि V एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो अब V एट इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो ले लिया तुमने अगर हम इस डेफिनेशन को दिस डेफिनेशन को वापस से कंसिडर करो तो यहां पे वी बी क्या हो गया वी बी इज एक्चुअली वी इन्फिनिटी हमने बी को इन्फिनिटी लिया है तो दिस बिकम्स वी ए माइनस वी इन्फिनिटी ठीक है सेम डेफिनेशन नाउ वी इन्फिनिटी हमने क्या ले लिया है वी इन्फिनिटी इज नथिंग बट इक्वल टू जीरो तो अब हमको क्या मिल गया वी ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए ज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वो डेफिनेशन थी उसी को हमने जब मॉडिफाई किया तो हमें क्या मिल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया तो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर डेफिनेशन लिखे तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिख लो अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज From infinity to a point in the electric field, in the electric field is called the electric potential at that point. At that point. Take care. ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अब डेफिनेशन तो वी ए इज नथिंग बट वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टेस्ट चार्ज को हम कहाँ से कहाँ ला रहे हैं इन्फिनिटी से A पे ला रहे हैं डिवाइडेड बाय क्यू नॉट जो भी मैग्नीट्यूड होगा हमारे टेस्ट चार्ज का ठीक है अब अगर हमें ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमें अगर मान लो निकालना है कि हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम वो कैसे करेंगे तो उसकी एक और ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो जस्ट नोट इट डाउन जस्ट नोट डाउन द डेफिनेशन ओके अच्छा इससे पहले हम लोग डेरिवेशन पे जाएं तो लेट्स डू वन और टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इसके होते हैं ये जो वर्क डन होता है जो वर्क डन होता है इसकी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये एक्सटर्नल एजेंट ही इस काम को करता है वो क्यों करता है दस वी हैव एक्सप्लेन कि हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जा रहे हैं तो इस वजह से वर्क डन किस से एक्सटर्नल एजेंट से ही है और ये वर्क डन इज वेरी स्लो मतलब हमें उस चार्ज को बहुत स्लोली लाना है सच दैट द कानेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज ऑफ द चार्ज डज नॉट चेंज देर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है काइनेटिक एनर्जी चार्ज में कोई चेंज नहीं आना चाहिए सेकेंड इज दिस वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। ये क्या है पाथ इंडिपेंडेंट है मतलब अगर दो पॉइंट्स हैं हमारे ए और बी तो अब चार्ज को हम चाहे ऐसे लाएं, चाहे हम ऐसे लाएं चाहे हम ऐसे लाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वर्क डन विल रिमेन द सेम पाथ कैसा भी हो हमारा पाथ से इंडिपेंडेंट होता है हमारा वर्क डन ठीक है एंड थर्ड इज ऑब्वियसली कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है इट इज वेरी स्मॉल इट इज टू स्मॉल टू अफेक्ट द टू अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को ये हार्म नहीं पहुंचा सकता है ये ऑल्टर नहीं कर सकता है ऐसा ही हम टेस्ट चार्ज यूज़ करते हैं सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें दिमाग में रखने हैं जब हम कैलकुलेट करते हैं अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हम ले जाने के लिए एक्सटर्नल वर्क करते हैं तो वो जो एक्सटर्नल वर्क होता है वो हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है, charge, charge हैं, है कहते हैं, और ये तीन पॉइंट्स हमें दिमाग में रखना है नाउ अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें निकालना है हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू क्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर ऐसे ही करके ये क्वेश्चन आपका बहुत फ्रीक्वेंटली आज है बोर्ड एग्जामिनेशन में तो एक चार्ज ले लो क्यू ठीक है हमें कहाँ निकालना है पी पॉइंट पे निकालना है ये पी पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में कि ये आर डिस्टेंस पे है एक टेस्ट चार्ज है हमारा हमने ले लिया क्यू अगर हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो वापस से डेफिनेशन पे जाऊं डेफिनेशन कहती है अगर हम निकाल लें वर्क डन कितना होगा इस टेस्ट चार्ज को इनफिनिटी से इस पॉइंट पे लाने के लिए तो क्या हमें ये इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा यस yes. अगर हम वर्क डन निकाल लें इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से जो कि अभी कहां पे है इन्फिनिटी पे है इट इज एट इन्फिनिटी इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट में लाने में जितना वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर वो हम कैलकुलेट कर लें तो क्या हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे एट पॉइंट पी यस वी विल तो हम क्या करते हैं अब इन्फिनिटी है और ये आर है हम एक बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं एक्स ठीक एक पॉइंट मार्क कर लो ए जो कि एट अ डिस्टेंस एक्स है हमारे क्यू से ठीक है अब इस पॉइंट से अगर हम टेस्ट चार्ज को अगर इस ए पॉइंट से टेस्ट चार्ज को हम डी एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस करें मतलब हम इधर ले आए ये डिस्टेंस कितना है डी एक्स करें तो क्या होगा ए पे फोर्स कितनी लग रही है फोर्स एट ए क्या हो रहा है इस चार्ज की वजह से ए पे फोर्स कितनी लग रही है और किधर लग रही है फोर्स इधर लग रही है राइट एफ इज दिस साइड दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज उस पॉइंट पे फोर्स उधर लग रही है टेस्ट चार्ज पे फोर्स इधर लगेगी तो इट इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स राइट अब हमने कहा कि हम इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे दैट इज डीएक्स डिस्प्लेस करके हम अपने टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट पे लाना चाह रहे हैं बी पॉइंट पे जब हम लाएंगे तो कुछ वर्क डन होगा होगा क्योंकि फोर्स हमारी उधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर हो रहा है वर्क डन होगा नेचुरली होगा तो दिस वर्क डन ये जो वर्क डन है बाय एन एक्सटर्नल एजेंट ए से बी में लाने के लिए वर्क डन विल बी एफ डॉट माइनस ऑफ डी एक्स और ये दिस एफ इज नथिंग बट इक्वल टू दिस एफ ए क्योंकि हमें इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी ना तो उसका मैग्निट्यूड विल बी दिस डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा है माइनस डीएक्स होगा कर लो इसको वर्क डन विल बी डी डब्ल्यू डीएक्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डी डब्ल्यू की बात करेंगे अगेन से बी में लाने के लिए क्या हो रहा है हमारा दिस विल बी एफ इज नथिंग बट वन अपॉन फोर पाइफ साइलेंट नॉट नॉट अपॉन एक्स स्क्स विदेटिव साइन यह हमारा वर्कडन मिल गया अब अगर हमें पोटेंशियल निकालना है ठीक है तो जब हमें के, हमने कहा कि टेस्ट चार्ज हम इन्फिनिटी से आर पे लाए तो यह एक्स हम कहा से कहां तक वेरी कर सकते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर तो यह जो वर्कडन डी डब्ल्यू है डीएक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए डी डब्ल्यू वर्क डन है तो इन्फिनिटी से आर तक लाने के लिए कितना वर्क डन होगा वर्क डन विल बी इक्वल टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा वन अपॉन फोर पाए साइलेंट नॉट माइनस क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स और एक्स की लिमिट्स हमारी कहाँ से कहाँ तक है फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर ये हमें मिला वर्क डन और इसी पे अगर हमें पोटेंशियल चाहिए वीपी तो हमारा पोटेंशियल वीपी क्या हो जाएगा योर वीपी इज नथिंग बट इक्वल टू दिस जो वर्क डन हमें मिल रहा है डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज तो दिस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से पी तक लाने के लिए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट करके जो क्वांटिटी हमें मिलेगी उससे हम क्यू नॉट को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्वांटिटी मिल क्या रही है दिस इज नथिंग बट इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा वन अपॉन फोर पाई एफ नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर ये हमको मिल जाएगा इसमें से जब हम क्यू डिवाइड कर देंगे वहां पे तो सिंपली हमारा पोटेंशियल हमें मिलता है वन अपॉन फोर पाई एफ नॉट दिस इज द पोटेंशियल विच इज हमें कहा मिल रहा है एट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज कैपिटल क्यू टेक मिनट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कि किस तरह से आया पहले हमने ए से बी में एक वर्क डन निकाला फिर उसी वर्क डन को हमने क्या किया इंटीग्रेट कर दिया इन्फिनिटी से लेके एट पॉइंट आर तक और ये हमको पता है अगर हम वर्क डन निकालने किसी भी को से इस R तक लाने के लिए तो बेसिकली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं उस पॉइंट पे सो दिस इज द इलेक्ट्रिक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट विच इज डिस्टेंस आर बिकॉज ऑफ दिस चार्ज क्यू टेक

तो हमको पता है एक चार्ज की वजह से सिंगल चार्ज की वजह से द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस ये अभी हमने हमने इक्वेशन की है अब अगर हमें सुपर पोजिशन की बात करनी है कि जब वी हैव अ सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग चार्जेस तो हम क्या करेंगे इसका डिस्टेंस अगर आर वन है इसका डिस्टेंस अगर आर टू है इसका डिस्टेंस आर थ्री है एंड इसका डिस्टेंस आर फोर है सो योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंडिविजुअलिक एल्जेब्रिक हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि V हमारा क्या है इट इज स्केलर क्वांटिटी तो द पोटेंशियल्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एट पॉइंट पी ठीक है अभी ये करने के बाद हम इसके बाद अब हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करेंगे चार पांच न्यूमेरिकल्स तीन चार न्यूमेरिकल्स इस पर कर लेंगे जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो एट पॉइंट पी हर एक की वजह से एल्जेब्रिक सम क्या होगा तो पहला वाला अगर हम देखें तो वी विल गेट वन अपॉन फोर पाइप साइल नॉट क्यू वन अपॉन आर वन वन ये कॉमन रहेगा कॉमन ले लिया q2 टू अपॉन आर अब माइनस क्यू थ्री है इट इज क्वानिटी एल्जेब्रिक्स माइनस क्यू थ्री अपॉन आर थ्री माइनस क्यू फोर अपॉन आर फोर ये हमें बेसिकली देगा हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट P जिसे हम कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन क्यू वन अपॉन सॉरी क्यू आई अपॉन Ri, जहां वैरी कहां कर रहा है वन से लेके एन तक इस केस में एन हमारा फोर था एन कैन बी एनी नंबर पंद्रह ले लो कितने भी ले लो समेशन ये ये हो जाएगा सिंपली ठीक है ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस कैसे मिला सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से हर एक चार्ज की वजह से उस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है उसका हमने सिंपली एल्जोबेरिक सम कर दिया क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी अब अगर ये पॉइंट चार्जेस इंडिविजुअल ना होकर हमें कंटिन्यूस चार्ज होता हमारे पास तो हम क्या करते एक कंटिन्यूस चार्ज होता तो इस क्यू की जगह क्या हो जाता हमारा डी क्यू हम एक कंटिन्यूस चार्ज उसका एक छोटा एलिमेंट डी क्यू ले लेते हैं उस dq की वजह से उस पॉइंट P पे हम क्या निकालते पोटेंशियल है, निकालते हैं और फिर हम इंटीग्रेट कर देते कहने का मतलब है कि अगर हमें Vp एक कंटिन्यूस चार्ज की वजह से निकालना है कंटिन्यूस चार्ज तो दिस विल सिंपली बी वन अपॉन फोर पाइप नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dq क्यू बाय आर एक छोटे सा dq एलिमेंट हमने लिया उसकी वजह से हम एक पॉइंट पे निकालते हैं पोटेंशियल और फिर अगर हम उसे इंटीग्रेट कर देते तो हमारा पोटेंशियल एट दैट पॉइंट उस पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से निकल आता सिमिलरली अगर हमारे पास एक सरफेस होती जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी सिग्मा होती तब हम क्या करते अगर उस सर्फिस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा चार्ज जो भी चार्ज है वो अगर एक सर्फिस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी सर्फिस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा तो हम क्या करेंगे हम एक स्मॉल एलिमेंट डी ए का लेते हैं ठीक है और फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे दैट इज अगेन योर वी पी इक्वल टू वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू की जगह हम सिग्मा डी ए रख देंगे अपॉन आर राइट सिमिलरली अगर अब हमारे पास एक वॉल्यूम है एक वॉल्यूम है पूरी जो स्पेस है दैट इज अ वॉल्यूम जिसपे एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें रो दे रखी है देन योर वीपींगोर पाइप नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो इन टू डीवी अपॉन आर इस डी क्यू की जगह हम क्या रख देंगे रो ऑफ डीवी रो ऑफ डीवी ये इस पे हम लोग पहले भी कर चुके हैं हम फिर डीवी एक स्मॉल वॉल्यूम लेंगे डीवी का उस पर हम उसकी वजह से हम निकालेंगे अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फिर उसे हम इंटीग्रेट कर देंगे सो दिस इज द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉर योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से अब कुछ तीन चार न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट किस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चाहे इक्वेजन डायरेक्टली लगा रहे हो कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे ओके तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इजी है न्यूमेरिकल एक चार्ज है एट माइक्रो एट मिलीकूलम देर इज अ चार्ज एट मिलीकूलम अ चार्ज ऑफ एट मिलीकूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन इज लोकेटेड एट द ओरिजिन ठीक है एक चार्ज है एट मिलीकूलम का जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है हमें निकालना है कैलकुलेट द वर्क डन इन कैरिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन कैरिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ माइनस टू इंटू टेन टू द पावर माइनस टू इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन कूलम फ्रॉम अ पॉइंट माइनस नाइन कूलम फ्रॉम पी एक पॉइंट दे रखा है पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं जीरो जीरो थ्री सेंटीमीटर टू जिसके डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स uh, दे रखे हैं जीरो फोर जीरो सेंटीमीटर जीरो फोर सेंटीमीटर जीरो ये पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वाया अ पॉइंट आर वाया अ पॉइंट जो दे रखा है जीरो फोर सिक्स ठीक है हमें क्या निकालना है वर्क डन इन कैरिंग अ ट्राई द क्वेश्चन सिंपली ट्राई कुछ भी नहीं है इजी सा क्वेश्चन है एक हमें एक चार्ज दे रखा है कहां पे ओरिजिन पे इस ओरिजिन ओरिजिन uh, पे दे रखा है हमसे कहा गया कि माइनस टू इंटू टेन टू दो पार नाइन कूलम का एक चार्ज है उसको हमको P पॉइंट से Q पॉइंट तक ले जाना है वाया अ पॉइंट R सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि क्या इस R का कोई यूज है नो देर इज नो यूज ऑफ दिस R वाई बिकॉज जो वर्क डन है दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट तो वाया इससे ले जाए किसी और पॉइंट से ले जाए वी आर लीस्ट बोधल्ड एक चीज़ दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं इस एट माइक्रोकूलम की वजह से दिस एट माइक्रोकूलम की वजह से हम इन दोनों पॉइंट्स पे अगर पोटेंशियल निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा वंस यू हैव द पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद द चार्ज यू विल गेट द वर्क डन क्यों क्योंकि वी फ्रॉम पी टू क्यू तो बेसिकली वी क्यू टू पी जहां पे लाए हैं जहां से लाए हैं इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय द चार्ज यही तो हमारी इक्वेशन है तो अगर हम इसको निकाल लें इफ वी कैलकुलेट दिस और फिर इस चार्ज से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमें वर्क डन मिल जाएगा ये चार्ज क्या है माइनस टू इंटू टेन पार माइनस नाइन क्योंकि हम वर्क डन किसका में निकालना है इस स्मॉल चार्ज को हम कैरी कर रहे हैं ठीक है तो फाइंड आउट फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट वी क्यू वन अपॉन फोर पाई अपलेंट नॉट ओरिजिन पे हमारा चार्ज इन दोनों पे जो पोटेंशियल है इन दोनों पे पोटेंशियल किसकी वजह से पोटेंशियल है एट मिली कुलम की वजह से है ना जो कि ओरिजिन पे रखा है तो इसका डिस्टेंस क्यू uh, पे हम निकाल रहे हैं तो इसका डिस्टेंस इससे क्या होगा इज एट इंटू टेन टू दर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज फोर सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने दो देर इज नो वो या चलो लेट्स कन्वर्टेड माइनस थ्री ठीक है ये हो गया हमारा सिमिलरली फाइंड आउट वीपी सॉरी सॉरी माइनस टू सिमिलरली फाइंड आउट वीपी एट इंटू टेन टू द पार माइनस थ्री अपॉन डिस्टेंस ये ओरिजिन जीरो 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 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं. इसका क्या है जीरो जीरो थ्री है तो दिस विल बी थ्री इंटू टेन टू द पार माइनस टू वी क्यू माइनस वीपी हम निकाल सकते हैं ट्राई एंड फाइंड आउट वॉट विल बी वी क्यू माइनस वीपी इसकी वन अपॉन फोर पाए साइलेंट नॉट की जगह नाइन इंटू टेन टू पार नाइन रख दो नाउ आई विल जस्ट राइट द आंसर डायरेक्टली इट कम्स आउट टू बी माइनस सिक्स इंटू टेन टू पार एट जिस चेक करो माइनस सिक्स इंटू टेन टू द पार एट आएगा इसका डिफरेंस वी क्यू माइनस वीपी वी क्यू माइनस इसकी वैल्यू हमें पता है नाइन इंटू टेन टू द पार्ट नाइन बाकी हम लोगों ने इक्वेशन रख दी है इसकी वैल्यू आएगी माइनस सिक्स इंटू टेन टू द पार्ट एट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय द चार्ज क्यू अब हमें वर्क डन किस पे करना है हमें वर्क डन इस स्मॉल चार्ज को एक पॉइंट से पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पे लाने के लिए करना है ठीक है तो चार्ज हमारा क्या है माइनस टू इंटू टेन टू द पार माइनस नाइन सो नाउ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट विल नथिंग बी बट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस सिक्स इंटू टेन टू द पार एट इंटू माइनस टू इंटू टेन टू द पार माइनस नाइन दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू वन पॉइंट टू जूल्स अब तुम ये देखो दिस इज इक्वल टू वन पॉइंट टू जूल्स दिस इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट क्वेश्चन समझने की कोशिश करो क्योंकि ये इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि क्वेश्चन क्या कह क्या रहा था हमने पहले एट मिली कूलम के हिसाब से दोनों पे पोटेंशियल निकाल लिया जब हमें दोनों पॉइंट्स पर एक बार पोटेंशियल मिल गया तो हमें हमें पोटेंशियल मिल गया अब हमारे पास है कि जो स्मॉल चार्ज है उसको हमें इस पॉइंट से उस पॉइंट पे ले जाना है मतलब अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों चार्जेस का सॉरी uh, दोनों पॉइंट्स का तो सिंपली हमने उसे चार्ज से मल्टीप्लाई किया और हमको क्या मिल गया वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट दिस इज हाउ यू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन नोट कर लो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन A cube of side B has a charge Q. A cube of side B has a charge Q. Has a charge Q at each of its vert vertices. Take okay. care. डिटर्म द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट द सेंटर एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ये हमारा क्वेश्चन है ट्राई करके देखो क्या हो सकता है पहले तो डिस्टेंस किसी भी वर्टेक्स से जो सेंटर है क्यूब का उसका डिस्टेंस क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए बहुत बेसिक चीज है तो डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द सेंटर इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू बी हमारा साइड दे रखा है ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द सेंटर अब हर क्यूब का जो वर्टेक्स है हर वर्टसीज पे कितना चार्ज रखा है क्यू तो ये क्या है सुपरपोजिशन सिंपली लगानी है एक क्यूब है उसके हर वर्टेक्स पे क्यू 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 क्यूँ चार्ज रखा हुआ है हमें सेंटर पे निकालना है हर क्यू की वजह से एक पोटेंशियल हो रहा है जितने भी क्यूँ रखें कितने क्यूँ रखें एक क्यूबॉइड है कितने क्यूँ रख सकते हैं हम आठ ही तो क्यूँ रख सकते हैं एट क्यूज ही तो रख सकते हैं तो आठों कॉर्नर्स जो हैं इसके हमने उस पर क्यू 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 स्मॉल चार्ज क्यू रख दिया हमें सेंटर पे अगर निकालना है तो हर क्यू की वजह से सेंटर पे जितना पोटेंशियल होगा उसका सिंपली हम क्या करेंगे एलजेब्रिक्स सम कर देंगे तो पहले एक क्यू की वजह से निकालो एक क्यू की वजह से निकालेंगे हम अगर तो हमें मिलेगा वन अपान फोर पाई साइलेंट नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट टू बी ये कितने से हो गया एक की वजह से हो गया सिमिलरली दूसरा जो चार्ज रखा है उसकी वजह से निकालेंगे यही मिलेगा सिमिलरली तीसरा जो होगा उसकी वजह से निकालेंगे फिर हमें यही मिलेगा इस तरह से एट के एट से यही मिलेगा तो अल्टीमेटली हम अगर सेंटर की बात करें तो हम लिख सकते हैं एट इंटू दिस क्वान्टिटी एट इंटू वन अपॉन फोर फाइव सैल एन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट थ्री टू टू को ऊपर ले आओ जो भी एक्सप्रेशन मिल रहा है ये इसलिए हमने करवाया कि हो सकता है एज साइड बी ना देखे हमें बी के कुछ वैल्यू दे दी जाए क्योंकि हो सकता है तुम्हें तो कुछ वैल्यू दे दी जाए क्यूब की जगह हो सकता है कुछ और दे दिया जाए बट अल्टीमेटली यू हैव टू सी कि जो भी हमें अगर कोई और दे रखा है जो भी स्ट्रक्चर दे रखा है उसका डिस्टेंस कितना होगा देन ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सिंपली अप्लाई द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्यूब के केस में यहाँ पे हमें क्यू की बी की वैल्यू अगर दे दी गई तो हम इजिली सेंटर पे कितना पोटेंशियल है वो निकाल सकते हैं ऑल वी हैव टू डू इज कि हमें वी शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हमें यहाँ पे अब सुपर पोजिशन लगाना है जस्ट राइट द क्वेश्चन एंड द सोल्यूशन सो दैट वी कैन गो अहेड ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक दो चार्जेस दे रखे हैं टू चार्जेस आर प्लस क्यू एंड माइनस थ्री क्यू प्लस क्यू माइनस थ्री क्यू दे रखे हैं दो चार्जेस ठीक है इनके बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है स्मॉल ए व टू फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस वेर वी इज जीरो द चार्जेस वेर वी इज इक्वल टू जीरो ट्राई करो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कोर्स में भी कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन हम लोग फील्ड में भी कर चुके हैं तो आई डोंट थिंक कि अभी टफ होना चाहिए ये बस दोनों में डिफरेंस क्या था फोर्स और फील्ड के केस में डिफरेंस क्या था वो वेक्टर क्वांटिटीज थी तो हम डायरेक्शन ले रहे थे ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें हम डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं सी एक पॉइंट मान लो एक पॉइंट मान लो ये ए है पूरा एक पॉइंट ले लो कोई भी यहां पे हमने सपोज पॉइंट ले लिया पी डिस्टेंस x लिया इसका तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ a माइनस एक्स अब इस पॉइंट P पे पोटेंशियल वन और टू मार्क कर दिया पोटेंशियल ड्यू टू वन यहाँ पे क्या होगा वी वन लिख लो वी वन इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स ये हो जाएगा इसकी वजह से सिमिलरली वी टू क्या होगा इसकी वजह से के माइनस थ्री क्यू अपॉन ए माइनस एक्स अब इसकी वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल हमें पता है इसकी वजह से भी हमें यहाँ पोटेंशियल पता है ऑल वी हैव टू डू इज यूज द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल सो v1 वन प्लस वी हमारा क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स माइनस थ्री के क्यू अपॉन ए माइनस एक्स एंड दिस शुड बी इक्वल टू जहाँ पे v इज इक्वल टू जीरो सो दिस शुड बी इक्वल टू जीरो तो vp क्या है v1 वन प्लस वी एंड दिस शुड बी इक्वल टू जीरो के क्यू के क्यू हमारा कैंसिल आउट हो जाता है एक्स ए माइनस एक्स ले लिया इधर ले जाओ वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन ए माइनस एक्स तो ए माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स ए इज इक्वल टू फोर एक्स सो योर एक्स विल बी इक्वल टू ए बाय फोर तो ये कहाँ पे हम रखेंगे ए बाय फोर डिस्टेंस पे रखेंगे तो हमें उस पॉइंट पर हमारा वी विल बी इक्वल टू जीरो क्योंकि यहां पे जब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे थे तो हम क्या कर रहे थे तब हमारा वेक्टर क्वांटिटी थी हम डायरेक्शन भी कंसिडर कर रहे थे इस केस में हमें डायरेक्शन नहीं कंसिडर करना है हमें सिंपली क्या कर देना है एल्जोब्रिक्स सम निकाल देना है आई होप दिस इज क्लियर लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन ओके okay. एक हमें रिंग दे रखी है वी हैव बीन गिवन अ रिंग जिस पे प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है राइट right? तो ये प्लस 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 मार्क कर दो प्लस प्लस पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन सा चार्ज क्यू चार्ज हमसे कहा गया कि इसकी एक्सेस पे यू हैव टू और ये रिंग का रेडियस हमें दे दिया है आर रिंग का रेडियस इज गिवन एज आर यू हैव टू फाइंड आउट फाइंड आउट द पोटेंशियल पोटेंशियल एट पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग हम ये वाला इसलिए करवा रहे हैं बिकॉज हम लोगों ने जब सुपरपोजिशन की थी तो उसमें हमने तीन चार केसेज कंसिडर किए थे दिस इज वन ऑफ द केसेज ठीक है हमने क्या किया एक एलिमेंट ले लिया डी क्यू डी क्यू का एक एलिमेंट ले लिया हमसे कहा गया पी पॉइंट पे हमने ये जो तुम्हारी ये जो रिंग है वो ऐसे रखी हुई है दैट्स मैंने इस तरह से बनाई है दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड ठीक इसका हमें निकालना क्या है सेंटर से एक डिस्टेंस x लिया इस पॉइंट P पे हमको निकालना क्या है पोटेंशियल ट्राई एंड फाइंड आउट ये एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें Q चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमसे कहा जा रहा है कि पोटेंशियल निकाल के दीजिए सी वॉट वी कैन डू इज ये डिस्टेंस कितना होगा वॉट विल बी दिस दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट अंडर रूट एक्स स्क्वायेयर प्लस आर स्क्वायर अब इसमें यह बताओ हमको कि क्या चीज इसमें वेरिएबल है इज एक्स वेरिएबल नो इट इज नॉट वाई इट इज नॉट क्योंकि जो ये डिस्टेंस हमें दे रखा है हमने यहाँ पे डी क्यू लिया है तुम डी क्यू कहीं ले लो वेन द रिंग इज प्लेस लाइक दिस जो रिंग है हमारी वो इस तरह से प्लेस्ड है इस पॉइंट पी पे अगर हमें निकालना है तो तुम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लो यहाँ से यहाँ तक लो यहाँ से यहाँ तक लो, लो इधर से इधर तक लो यही डिस्टेंस रहेगा कोई पॉइंट ले लो कोई भी एलिमेंट दिस डी क्यू ले लो कहीं से भी लोगे ये डिस्टेंस जो है अंडर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सेम दैट मीन कि आर तो हमारा रेडियस है दैट इज अ ले लें ठीक है तो अब पोटेंशियल इसकी इस dq एलिमेंट की वजह से dv हमारा क्या होगा वन अपॉन फोर पाइव नॉट डी क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वा प्लस आर स्क्वायर अब क्या है ये सारा चीज़ें कांस्टेंट हैं तो हमें करना क्या है सिर्फ इंटीग्रेट डी क्यू को और डी क्यू हमें दे रखा है टोटल कितना चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है कैपिटल क्यू सो दिस बिकम्स इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई अप नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये हो गया हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट पी वी पी राइट अच्छा अब इसमें एक जो क्वेश्चन और बन सकता है वो ये है कि अगर हम ये कहें कि एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है हम सेंटर पे हम इसके सेंटर पे ही पूछ रहे हैं कि क्या पोटेंशियल होगा तो वी एट जीरो इसे ओ मान लो वी एट ओ इज इक्वल टू मतलब एक्स जीरो है एक्स अगर वहां पे जीरो रख दो सो यू गेट वन अपॉन फोर पाइप एंड नॉट क्यू अपॉन आर आर अंडर रूट आर स्क्वास इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग ये हमको सेंटर ऑफ द रिंग पे पोटेंशियल मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए ये डेरिवेशन थी क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में या तुम्हारे सब्जेक्टिव वालों में भी वेरी फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है रिंग से हमें पोटेंशियल निकालना अच्छा नाउ लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस होप दिस इज प्रिटी क्लियर लास्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको आप लोग पहले सोचिए समझिए उसके बाद ही हम लोग उसके सोल्यूशन पे जाएंगे क्योंकि उसी तरह का एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो आई विल एक्सपेक्ट कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इजीली योर लास्ट क्वेश्चन से इसकी दो चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू टू चार्जेस आर हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू ये कहां-कहां लोकेटेड है इनकी लोकेशन दे रखी है जीरो जीरो माइनस टू ये पॉइंट है ए रखा है हमको जीरो जीरो प्लस टू रिस्पेक्टिवली दो चार्जेस हो गए प्लस क्यू माइनस क्यू एक प्लस क्यू लोकेटेड है ए पॉइंट पे जीरो जीरो माइनस टू पे माइनस क्यू लोकेटेड है बी जीरो जीरो प्लस टू पे ठीक है हाउ मच वर्क विल बी डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज कितना वर्क डन होगा इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट पॉइंट हमें दे रखे हैं फोर जीरो जीरो से माइनस फाइव जीरो जीरो टू क्यू विच इज नथिंग बट माइनस फाइव जीरो जीरो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है ठीक है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट अगर तुम एक्सेस बनाओ अपनी किसमें किस में एक्स और जेड में दे रखा है ठीक है तो एक को तुम मान लो एक्स और इसको मान लो जेड माइनस जेड हो गया ये प्लस जेड हो गया ये माइनस एक्स हो गया और वाई एक्सेस वुड भी समवेयर ओवर हियर ये हो गई हमारी वाई एक्सेस राइट हमारा ए और बी पॉइंट कहाँ कहाँ दे रखा है ए दे रखा है ज़ीरो जीरो माइनस टू पर तो वो कुछ यहाँ पे होगा जीरो जीरो माइनस टू पर यह हो गया ए पॉइंट ये कहाँ बी पॉइंट हमारा होगा ज़ीरो ज़ीरो प्लस टू पर यह हो गया बी पॉइंट हमें टेस्ट चार्ज कहाँ से कहाँ मूव करना है पी से पी हमारा हो गया फोर ज़ीरो ज़ीरो पी पॉइंट क्यू पॉइंट क्या है हमारा माइनस फाइव ज़ीरो ज़ीरो ये हो गया क्यू पॉइंट एक टेस्ट चार्ज हमें मूव करना है P से Q पे तो हम क्या करेंगे अगर हमें P पोटेंशियल एट P पता है पोटेंशियल एट Q पता है तो हम सिंपली उसे माइनस कर देंगे और उस टेस्ट चार्ज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई uh, क्यों करेंगे पोटेंशियल निकालना है वर्क डन निकालना है इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओके सिंपली अ टेस्ट चार्ज Q ले लो उसको टेस्ट चार्ज की वैल्यू सिंपली Q ले लो पहले हमारा काम क्या होगा कि हमें निकालना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल है क्या इन मूविंग अ पॉइंट फ्रॉम पी टू क्यू मतलब वी क्यू माइनस वी पी वी क्यू माइनस वी पी चलो वी क्यू निकालो वी क्यू किसकी किसकी वजह से होगा वी क्यू इसकी वजह से भी होगा और वी क्यू इसकी वजह से भी होगा कैलकुलेट करके देखो क्या आ रहा है ट्राई एंड कैलकुलेट क्या कैसे होगा ये इट वुड सिंपली बी वन अपॉन फोर पाए अप नॉट q प्लस q प्लस क्यू हमारा कहाँ प्लेस्ड है वेर इज प्लस क्यू प्लेस्ड ओवर हियर यहाँ पे इसकी वजह से हम q पे निकाल रहे हैं ठीक है तो अंडर रूट दिस माइनस दिस इज सिंपली फाइव स्क्वायर प्लस जीरो माइनस ज़ीरो इज जीरो एंड माइनस टू माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर सो इट इज माइनस टू का होल स्क्वायर ये हो गया प्लस क्यू की वजह से ठीक अब सिमिलरली माइनस क्यू की वजह से क्या होगा माइनस वन अपॉन फोर फाइव साइलेंट नॉट क्यू अपॉन यहीं पर ही निकाल रहे हैं तो अगेन इट विल बी अंडर स्कोर अंडर रूट फाइव स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर टू का स्क्वायर सॉरी प्लस टू का स्क्वायर ये आ गया दोनों को ध्यान से देखो वी क्यू क्या हो गया वी क्यू इज इक्वल टू वी क्यू क्या आ गया इट कम्स आउट टू बी Zero. समझ में आया किया क्या है वी क्यू पे इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल इसकी वजह से और इसकी वजह से सुपर पोजिशन यूज कर रहे हैं दो चार्जेस हैं, उन दोनों चार्जेस की वजह से यहां पे क्या होगा पोटेंशियल हमने सिंपली क्या किया Q प्लस क्यू यहाँ पे प्लेस था तो Q अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है इस तरह की जब एक्सेस होती है तो क्या डिस्टेंस होता है ऐसे ही निकालेंगे निकल आया हमारा सिमिलरली B की वजह से B पे पर क्या है माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड है तो ये हो जाएगा माइनस और फिर हमने इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लिया हमने देखा वी क्यू क्या आ गया जीरो आ गया सिमिलरली जब हम वी पी निकालेंगे अब सिमिलरली तुम वीपी निकालो वीपी क्या निकालोगी पहले प्लस क्यू की वजह से निकालोगे फिर माइनस क्यू की वजह से निकालोगी अगेन यू विल सी की योर वीपी पी ऑल्सो कम्स आउट टू बी जीरो सी जस्ट चेक इसको चेक करना वीपी भी हमारा जीरो आएगा तो अगर वीपी भी जीरो है वी क्यू भी जीरो है तो वी क्यू माइनस वी पी इज इक्वल टू जीरो मतलब देर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू और जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है वी पी और वी क्यू के बीच में सो वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू विल बी इक्वल टू वर्क डन विल बी इक्वल टू एक टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो देर इज नो वर्क डन तो योर वर्क डन कम्स आउट टू बी जीरो सो आज का लेक्चर वाज़ बेसिकली कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है छोटे तरीके कि, किस तरह से हम इनके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इस टाइप के जब आते हैं तो हम इन्हें सॉल्व कैसे कर सकते हैं अगर हमें ये समझ में आ गया कि वर्क डन कैसे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है तो इसके आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर जब हम पोटेंशियल एनर्जी शुरू करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होगा सो so, इसलिए इसके साथ बहुत क्लियर रहिए एक बार दो बार जस्ट गो थ्रू द लेक्चर वंस ट्वाइस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और उसके बाद फिर आगे जिससे हम लोग बढ़ सकें सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट वेरियस पॉइंट टाइम रहा तो हम उसके आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी शुरू कर देंगे उसमें ही सो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू